Indian News 24 Hour. Earth Stuff updated on January 10, 2018, 11:37 AM IST. साल के बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है, यानी 3 लाख की आय तक इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं रह जाएगी। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक आयकर सीमा में छूट के साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव की कोशिशें भी चल रही है ताकि टैक्स पेयर्स पर दबाव कम हो सके। कहा जा रहा है कि सरकार जानती है कि टैक्स पेयर्स महंगाई से जूझ रही है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि टैक्स में बदलाव करके जनता के बीच अच्छा संदेश दिया जा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस बड़े फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों का दिल जीतना चाहती है। जीडीपी और आर्थिक प्रगति के आंकड़ों में उलझी जनता को टैक्स छूट का लाभ देकर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने थोड़ी राहत दी थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय वाले टैक्स पेयर्स के लिए 10% इनकम टैक्स से घटाकर 5% किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बार वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। 5 से 10 लाख रुपए की सालाना आय को 10% टैक्स डेयर में लाया जा सकता है। साथ ही 10 सेकंड 20 लाख रुपए की आय पर 20% और 20 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30% की दर से इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। उद्योग मंडल CII ने अपने बजट से पहले दिए ज्ञापन में कहा है कि मुद्रास्फीति की वजह से आम जिंदगी बिताने की लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कम आय वालों लोगों को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए और स्लैब में भी बदलाव किया जाना चाहिए। उद्योग जगत ने कंपनियों के लिए कंपनी टैक्स में कमी किए जाने की मांग रखी है, इसे 25% किए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन सरकार के सामने ऑप्शन सीमित हैं। GST लागू होने के बाद सरकार की अप्रत्यक्ष कर वसूली पर दबाव बढ़ा है। इस साल के बजट में राजकोषीय घाटे को GDP के 3.2% पर रखने का लक्ष्य है।